छठ पर्व पे जितनी हमारे नगर पंचायत क्षेत्र की महिलाएं हैं सबका आभार और प्रकट करते हैं। उसके बाद छठ बिहार से चल के छठी माता हमारे इस उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या में मनाया जा रहा है छठ का पर्व। छठ का इतिहास क्या है? छठ का इतिहास यही है कि जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आस्था है कि हमारी माँ और बहनें सब लोग भूखने का काम करती हैं, जो उनसे मांगा जाता है छठी माता से प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। तो भैया ऐसा है कि बहुत बढ़िया यहाँ मेला लगता है और बहुत बढ़िया सुरक्षा हुआ है। ये नगर पालिका राज्य सुल्तानपुर में पड़ेगा और यहाँ से हम जान रहे हैं कि मतलब बहुत दूर दूर के आदमी लोग आए हुए हैं और जो है कितने लोग यहाँ पर होंगे? यहाँ 1000-2000 रुपये आदमी रहते हैं। हाँ, तो अभी शाम ढल चुकी है और सब मतलब लोग धीरे धीरे अपने घर को जा रहे हैं और सुबह में फिर अपने घर से आएंगे। क्या है मान्यता छठ की? क्या मान्यता है छठ की? बहुत मान्यता है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये एक भारतीय पर्व है जो कि हमारे यहाँ जब अधिकतर सूर्य के उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, लेकिन ये भारत में पहला ऐसा त्यौहार है जो यहाँ पर डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। इसकी बहुत मान्यता रही है, ये बिहार का ज़्यादातर की प्राथमिक त्यौहार है, वहाँ से मनाया जा रहा है और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में इस त्यौहार का प्रचलन हो गया है। ये चीज़ें पूछना चाहेंगे भैया? हाँ, हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश का ये काफ़ी बड़ा त्यौहार है। बेसिकली बिहार भी ये त्यौहार मनाया जाता था पहले, लेकिन अब धीरे धीरे वो बिहार से यूपी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु हैं, काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं और हर्षोल्लास के साथ यहाँ छठ मनाया जा रहा है। हम भी मनाने के लिए आए हैं यहाँ पे। यही गुरुदेव और छठी मैया का है, इसके लिए औरतें बहुत 3 दिन व्रत रखती हैं और साफ सफाई पूजा पाठ हर चीज़ का बहुत अच्छे से, छठी मैया की महिमा को सब लोग बहुत मानते हैं, इसलिए हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं छठ पूजा। ये इतना अच्छा आस्था इनका है कि हमको बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आ करके भी और देख करके भी, जिस तरीके की इन लोगों की महिमा है, ये काफ़ी मतलब ये अपने बच्चों के लिए मतलब इतना सब करती हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमको आप यहाँ आ कर देख करके। और पहले तो मैं आपको भी कितने दिन में छठ होता है भैया? 2 दिनों का छठ होता है। हाँ। 2 दिनों का छठ होता है भैया। हाँ, पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ, जिस तरीके से आप आ करके यहाँ पर इतना बहुमूल्य समय आप अपना दे रहे हैं यहाँ पर, पहले तो आपको भी धन्यवाद भैया। तो यहाँ पर ऐसे लोगों में हर्षोल्लास है और लोग बहुत खुश हैं। लोगों का कहना है कि हम बहुत खुश हैं और छठी मैया ने हमको सब कुछ दिया है, इसीलिए सभी श्रद्धालुओं को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ छठ पूजा के अवसर पर। जो भी हमारी माताएं बहनें यहाँ आई हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और हर साल के बाद हमेशा इच्छा भी अच्छा व्यवस्थाएँ रहेगी, ये हम लोगों का वादा है। हम लोग छठ की मान्यता क्या है? छठ की मान्यता तो औरतें बताएंगी, नहीं औरतें बताएंगी छठ की मान्यता। ये महापर्व में हम इस समय हैं और हमारे साथ है, देखिए मैं बोल रही हूँ चंपा किन्नर जहांगीरगंज और मैं लवली किन्नर जहांगीरगंज। हम लोगों की दुआ में बड़ी ताकत है, इसलिए लोग दुआ लेते हैं। और फिर आज तो पर्व छठी जी का है, छठी माई के अंदर तो खुद ही दुआ है, जिसके बेटा नहीं उसको बेटा देती, जिसके धन नहीं उसको धन देती बाबू। और हम लोग तो आँचल फैला के दुआ करते हैं कि हे छठी माई, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सबकी मुरादें पूरी हों भैया, जो भी जो लेके आया है सच्चे मन से वो छठी माई सबकी पूरी करेंगी। देखिए कितने लोग आए हैं हमारे छठी में, आप देख सकते हैं। और हम तो किन्नर हैं, हम सबको दुआ देने वाले हैं बाबू, हम तो सारे लोगों को दुआ देते हैं। ये देखिए, ये हमारी परी किन्नर है, ये हमारी मालकिन चंपा किन्नर जहांगीरगंज है, वो मेरी चेला नैना है, ये हमारे भैया हैं जहांगीर यहाँ राजे सुल्तानपुर के, सभी लोग हैं। हम लोग दुआ करते हैं हाथ जोड़ के छठी माई से कि मनोकामना सबकी पूरी हो, अमन चैन जी। गुरु माता है? हाँ, समझ से लीजिए उम्र के हिसाब से मैं ही गुरु माता हूँ और मालकिन है जहांगीरगंज की। और क्या कुछ कहना चाहेंगी आज छठ का? बहुत बहुत भगवान अच्छा रखे छठी मैया सबको खुश रखे, जिसको बच्चा ना हो बच्चा हो जाए, खूब जय जयकारी हो भगवान। नाम बताइए अपना। मेरी नाम नैना किन्नर है, मेरे गुरु का नाम चंपा किन्नर है और मेरे गुरु का नाम लवली किन्नर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बोलूँगी, मैं ही कहना चाहते हैं छठी मैया के दरबार में आए हूँ, छठी मैया सबको मनोकामना पूरी करें और माता रानी सभी को अच्छा रखें, इससे सिवा क्या कह सकते हो।